तो आज हम करने वाले हैं ब्लैक डार्क फोटो एडिटिंग, जो कि देखने में तो काफ़ी आसान है मगर उसको करना उतना ही मुश्किल है। गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं ब्लैक डार्क फोटो एडिटिंग। तो यार, वीडियो को शुरू से एंड तक देखो क्योंकि वीडियो काफ़ी जानदार होने वाला है। अगर यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले तो आपको अपना फोटो को करना है लाइटरूम के अंदर शेयर। तो मैं अपना फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर लिया हूँ एंड हमारा फोटो ख़राब है, फेंक देने का मन कर रहा है, तो मैं फेंकूंगा नहीं इसको एंड यहाँ पे इसका जो फ्रेमिंग है एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है नीचे और यहाँ पे करप्शन में जाना है और करप्शन में जाने आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेना है 4.5 एंड यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ एंड इसको भी थोड़ा एंगल सही करता हूँ मैं। तो ये हमारा एंगल काफ़ी बढ़िया हो चुका है एंड यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से बैक आना है एंड आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना और इस वाला प्रीसेट को जो सेटिंग होता है उसको कॉपी करना है। मैं प्रीसेट पहले इसलिए बनाया था कि आपको कोई परेशानी ना हो एंड आप इसका एडजस्टमेंट जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसे कैसे मैं किया हूँ। तो यहाँ पे मैं थ्री डॉट कॉपी सेटिंग करूँगा यहाँ से और यहाँ से आपको सभी सेलेक्ट करना है, ज्योमेट्री मार्किंग एंड यहाँ से करना है आपको डन एंड बैक आना है फोटो पे और फोटो बनाने पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे कर देना आपको पेस्ट। तो फोटो हमारा काफ़ी बढ़िया हो चुका है एंड आप सर लाइटिंग जो है लाइटिंग आपको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लाइटिंग चाहिए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कर दूंगा डन और डन करना सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कर देना है सेव, सेव बिफोर एंड आफ्टर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है फोटो एंड यहाँ से करूँगा सेव, सेव टू डिवाइस एंड उसके बाद मैं ले चलता हूँ इसको स्नैपशॉट के। तो आप भी अपना फोटो के लेके आ चुका है स्नैपशॉट के अंदर एंड यहाँ से आपको थोड़ा बहुत लाइट एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपके आपको जाना है टूल ऑप्शन पे एंड आप सेलेक्टिव टूल को लेना है एंड यहाँ से आपको एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल बना के आपको यहाँ पे जूम करना है एंड यहाँ से आपको साइज को छोटा करना है एंड इसके बाद से आपको यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड इसका जो सैचुरेशन आपको माइनस करना है एंड इसको मैं कर लूँगा कॉपी एंड यहाँ पे भी। एंड फिर यहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है एंड यहाँ से आपको करना है डन। सो डन करने के बाद फिर आपको सेलेक्टिव टूल में जाना है एंड जाने के बाद से आपको सिंपली यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा लाइटिंग चाहिए तो आप आपको ड्रॉ कर लें, जहाँ जहाँ पे आपको लाइटिंग नहीं हो तो आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एंड यहाँ से कर देना आपको डन। सो डन करने बाद आपको यहाँ पे जो साइड का पार्ट है इसको और ज़्यादा ब्लैक करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टूल पे जाना है एंड टोन इमेज पे जाना है और जाने वैसे आपको सिंपली यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन को आपको इसका ह्यू को बिल्कुल माइनस कर देना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया एंड यहाँ पे करेंगे डन और डन करना है। यहाँ पे व्यू एडिट में जाना है आपको और जाने के बाद से आपको यहाँ पे टोन इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडिट करना है एंड यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए डार्क वहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए एंड यहाँ से भी कर देंगे इसको डन। सो डन करना आपको यहाँ पे आना है बैक और बैक आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको लेना है ब्रश और ब्रश के लेने के बाद सिंपली आपको अपने फोटो के अंदर डोजन वन डालना है। तो आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लाइटिंग चाहिए आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ एंड अपने फेस पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं चाहिए चांस पे एंड आज कर दूंगा इसको डन। अभी जो हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है इसमें बस स्किन स्मूथ करना है। तो अगर आप स्किन स्मूथ करना जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं जानते तो वीडियो के नीचे लिंक है आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप स्नैपशॉट के अंदर स्किन स्मूथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑटो स्किन आपको जो भी एप्लीकेशन बढ़िया लगे उसके अंदर जाकर अपना स्किन को स्मूथ कर सकते हैं एंड बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कितना प्यारा लगा है फोटो। एंड वीडियो अच्छा लगता है यार लाइक कर दो और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट।